ये ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट हो गया। तो खेत को देख के मुझे मेरे गांव की याद आ गई। अभी मुड़ने भी गाइज गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सब, होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए। तो आज आप सोच रहे हो गए ये ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट हो गया। तो आज मैं घूमने जा रहा था अपने दोस्त के साथ कहीं, तो अभी दोस्त आगे मिलेगा। तो अभी मैं हाईवे पे था तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट करें थोड़ा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि पहले उसके पास जाके ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, बट मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट कर ही देते हैं। और भाई मौसम देखो कैसा हो रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 7 या 8 बज रहे हैं, बट टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं, 2 से ज़्यादा ही हो गया है। और अभी हम जा रहे हैं अपने दोस्त हिमांशु के पास, तो वहाँ से अपना बताते हैं आपको कि कहाँ हम घूमने जा रहे हैं। काफ़ी दिन से घर में ठंड में थे तो बोर हो चुके थे, तो वो आज हम जा रहे हैं अपना घूमने। और ये पीछे हमारे एनसीएम मॉल है जिसको अब वीआर नाम दे दिया है, वीआर पंजाब। तो अभी चलते हैं अपने दोस्त हिमांशु के पास और वहाँ से आपको बताते हैं कि कहाँ जाना है हमने घूमने के लिए। बहुत ठंड में रिजाई में लेट लिया, अब कुछ ब्लॉग आएंगे आपके लिए बढ़िया बढ़िया। तो अभी चलते हैं अपने दोस्त के पास, फिर मिलते हैं आपको अपने दोस्त के पास जाके। तो चलो चलते हैं अपने दोस्त के पास। और ये रहा वीआर, अगर टाइम लगा तो वीआर भी आएंगे। चलते हैं। कॉल करते हैं उसको। तो भाई हिमांशु से बात हो चुकी है, हिमांशु बोल रहा है कि नेक्स्ट वाले फ्लाईओवर पे चढ़ जा और जहाँ पे ये ख़त्म होगा तो वहाँ पे मिलते हैं। इधर रुकना है शायद। फूं 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 फूं। लो भाई हमारा दोस्त आ गया है हिमांशु, और मुझे लगा था मैं गलत पहुंच गया हूँ। हिमांशु तो भाई कहाँ चलना घूमने, पता नहीं पता नहीं। तो भाई इसने मुझे बता दिया है कि हम जा रहे हैं शिशमा डैम। अबे मिरर नहीं है ये, तो हम जा रहे हैं शिशमा डैम घूमने के लिए। यहाँ से हाँ हाँ फायदा, तो भाई 20 से 25 किलोमीटर है, तो चलते हैं अभी। चले चला चला चला। भाई काफ़ी दिनों बाद बाइक चला रहा हूँ मैं, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी, और अजीब भी लग रहा है। भाई मौसम बहुत सुंदर है यार, हरे हरे खेत और अपना ये ठंडा ठंडा मौसम। दो सौ नब्बे है भाई मनाली, मनाली निकल जाए क्या।
ओहो रूबिकॉन। और भाई इसके लिए कोई कुछ कमेंट करो यार, इसको सीट पे बैठने की आदत डालनी है, कैसे डाले, ये खड़ा होके चलाता ज्यादा। भाई ये व्यू देखो, क्या मस्त व्यू है, खेत ही खेत, और खेत को देख के मुझे मेरे गांव की याद आ गई। क्यों ना अपनी बाइक पे गांव जाया जाए, मतलब कि अपनी बाइक राइड करके अपनी बाइक को लेके गांव जाते हैं, कैसा रहेगा कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई अब तुमको ही बताना है हर एक चीज़, कमेंट करके जो बोलोगे वही होगा, जिस चीज़ के लिए पूछा जाता है कमेंट करके अगर तुम हाँ ना बोलोगे तो वो चीज़ होगी और डेफिनेटली होगी, पक्का होगी। तो देखते हैं कितने बंदे कमेंट करते हैं, और कमेंट किया करो जब भी पता लगेगा मुझे। सच में यार गांव की याद आ गई, खेत ही खेत जहाँ देखो, वाह। और ये आ गया टोल प्लाजा। आ गया भाई शिशमा डैम, ऊपर लिखा हुआ है, तुमको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, अभी पास से जाके दिखाते हैं आपको। ओह शॉर्टकट, अच्छा नहीं यहीं से ही है। तो लो भाई ये आ गया शिशमा कम्युनिटी रिजर्व। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं शिशमा डैम, और आपको दिखाता हूँ मैं क्या लोकेशन है भाई, क्या मतलब ना क्या व्यू हो रखा है, मज़ा आ रहा है। ये देखो क्या व्यू है, पीछे पूरी फॉग फॉग और अपनी लेक जबरदस्त लग रही है। अभी देखते हैं बोटिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं हिमांशु, चला बोटिंग करते हैं लेक में। और ये कितनी फॉग हो रखी है, और लेक क्या जबरदस्त लग रही है ना, जबरदस्त ठंडा ठंडा मौसम, मजा आ रहा है। चलो चलते हैं, आ जा। हमें छत वाली चाहिए भैया। हाँ अरे छत वाली सही रहेगी भाई, पानी वानी अगर बारिश होने लगी थोड़ी बहुत में ना। बारिश भाई फाइनली बोटिंग करते हुए अपना धुंध में। और पूरे डैम में सिर्फ हम हैं एक, और वो जो है वो स्टाफ वाले ही हैं इनके, वो लकड़ियां लेके आ रहे हैं। तो और भाई बंद हो गए वो आगे, और भाई अब हम बिल्कुल ही पास में आ गए हैं जंगल के, और इन जंगलों में बहुत जंगली जानवर भी हैं, ये कोई नॉर्मल जंगल नहीं है। उधर कर भाई बोट फंस जाएगी वरना, ऐसे घुमा दे, ऐसे घुमा, जल्दी जल्दी पैडल मार, इधर को घुमा देना, अरे घूम जाएगी ये। आइलैंड पे उतरना है? नहीं नहीं इस आइलैंड पे नहीं उतरना, बेयर ग्रिल्स बने जानवर आ जाएंगे। अबे उधर चलना, भाई मैं घबरा रहा हूँ।
तैरना नहीं आता है, बिल्कुल नहीं घबराना जब आप अपने आप से तैरना नहीं आता भाई। तैरना मुझे भी नहीं आता भाई, मगर खतरों के खिलाड़ी तो बनना पड़ेगा ना। खतरों का खिलाड़ी नहीं, ठंडू इधर कम से कम ना, पानी पानी पड़ेगा, बारिश हो रही है, कम से कम 4 डिग्री होगा अभी। देखो वो स्पोर्ट याद है, टेम्परेचर एक कार से दूसरी कार को ठोकना होता है, वो जो अम्यूजमेंट पार्क होती है, तो वो हमारी बोट ठोके टाइटैनिक रहने दे पे हम कर देते भाई, मजा है रहने दे रहने दे। चलना भाई, अबे इन लोगों ने हमें मार दिया। एक रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, एक और बोट आ गई, चल मोड़ 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 मोड़, एक और बोट आ गई है, उड़ा दी गई इनको, कर दो टाइटैनिक। अब थोड़ा डर खुल चुका है, अब हम इसको भगाएंगे इधर उधर, और पीछे वो जंगल दिख रहा है आपको। ओए क्या कर रहा है, रहने दे पानी उतना, बहुत ठंडा भाई, कम से कम 4 डिग्री होगी अभी। नहा कर आया कर, नहा कर जैसे खुद नहा के आया ना, मैं नहा कर आया हूँ। 4 डिग्री है भाई कम से कम ठंड, मतलब वो टेम्परेचर है जो, रहने दे मत कर ऐसे, सही में गिर जाएगी, ऐसे हरकत मत कर, मेरे को भाई हम हवा में नहीं उड़ रहे, बाइक नहीं, मेरे को डराने के चक्कर में मत कर, सच में डूबने का मजा आएगा। मैं भी याद मैं मुझे साइड में उतार दे फिर डूब जाइए, मैं भी याद रखूंगा ना ना ना, अब यही भटकेंगे भाई पूरे टाइम। नहीं भाई अभी मुझे बहुत कुछ देखना अपनी लाइफ में, मुझे ऊपर भी दिख रहा है क्या, हट बनी हुई है, हट ऊपर हट बनी हुई है, एक शेल्टर टाइप। अच्छा हाँ वो रही, वो ऊपर उधर हट है वो रही, अगर आपको दिख रही होगी। आ गए अपनी बोटिंग करके, और हम जल्दी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हम आ गए हैं टोक्यो ट्रिप, टोक्यो ड्रिफ्ट के चक्कर में, पैडल देता रहा, पैडल देता रहा, मैं टोक्यो ड्रिफ्ट कराऊंगा, अभी मुड़ नहीं रही। ओ भाई सॉरी मार, अबे रुक जा मेरा पैर मार दे भाई, तू मेरे को मार क्यों नहीं देता, उस पे फंसा ना उसको, अगर तू अगर ये मुड़ जाती नहीं जल्दी तो टोक्यो ट्रिप हो जाएगा, और नीचे आ गए हैं, और मेरा पजामा गीला हो गया, पानी था उधर शायद, और भी गीला होगा तेरा, नहीं नहीं पजामा गीला हो गया शायद, तू जा बैठा था वो टूटी हुई है, तो उधर से पानी आ रहा था क्या मेरे ख्याल से, हाँ मे भी शायद, तो नहीं आ रही मुंह तो नहीं है तूने, नहीं भाई मुंह नहीं। तो भाई अभी हम यहाँ पे बैठे थे और हमने काफ़ी कुछ अपने प्लान्स बनाए हैं अपनी राइड को लेके आगे, कि हमने क्या करना है फ्यूचर में, क्या करना है, बहुत अच्छा लगा। कभी कभी लाइफ को पीस भी चाहिए होती है, और शांति मतलब माइंड को, और अपना आराम से कुछ सोचने को, तो हमने वो सब यहाँ पे फील किया, और बहुत अच्छा है, ये देखो पूरी शांति है इधर, और बहुत अच्छा है बोटिंग की, और अब जा रहे हैं अपना कॉफ़ी पीते हैं, फिर अपना देखते हैं क्या करना है। तो भाई हम तो बोटिंग करके आ गए थे, और वो अब एक अकेली बोट है, और उसमें फैमिली है, पूरा घूम रहे हैं, मज़े ले रहे हैं मौसम के, कितना सही नज़ारा है भाई। तो भाई अभी हम कॉफ़ी पीने के लिए बैठे हैं, कॉफ़ी पियेंगे मस्त सी गर्मा गर्म, मौसम ठंडा है, कॉफ़ी पियेंगे मज़ा आ जाएगा, कॉफ़ी पिएगा ना, कॉफ़ी ढंग की होनी चाहिए, अब जैसी बनाएगा वैसी पियेंगे। और ये कैंटीन है, मीठा कम बोला है ना उसे, ये कैंटीन है यहाँ की, तो कॉफ़ी पीते हैं और पीछे का व्यू एंजॉय करते हैं। बस बैग पलटा मत दियो, एक्शन मत कर, एक्सपीरियंस था ठीक, होटल में जॉब की भाई, कॉफ़ी बनने अच्छे तो बात कर रही है, इसकी सिप लेके देखते हैं कैसी है कॉफी, उठा जल्दी, चीज करेगा, हाँ चीज करेंगे, बस नीचे मत रखना लड़ाई हो जाती है, पर झाग झाग आया, कॉफी तो आई भी नहीं, फ्रॉथ ही है, उसने झाग ही तो ना भी सारी। तो भाई हम अपना घूम लिए, कॉफ़ी पी ली और बोटिंग कर ली, बोटिंग के चार्जेस थे 200, एक बंदे का 100 रुपये, आधा घंटा, एक घंटा नहीं है, थोड़ा कॉस्टली है बट अच्छा है, मज़ा आ गया पहाड़ों के बीच में बोटिंग करके, मज़ा आ गया। और ये छोटा सा ट्रैक है, तो इसको और बेटर कर सकते हैं, ठीक है ये अच्छी जगह है,
बट इसको और बेटर कर सकती है यहाँ की गवर्नमेंट, पर ठीक है धीरे धीरे हो जाएगा, बट जितना नेचुरल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और अब तो ज़्यादा ही फॉग आ गई है और अभी ऐसा लग रहा है शाम हो गई है, पर शाम नहीं हुआ, अभी 4:30 हो रहे हैं। तो घूम लिया अपना, अब जा रहे हैं नीचे की तरफ क्योंकि हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो बारिश ना आए उससे पहले हमें निकलना पड़ेगा। अरे बारिश आ गई, बारिश में नहीं भीगना चाहता हूं मैं। अभी ये यहाँ पे खरड़ में लेके आया था मुझे टिक्की खाने के लिए और यहाँ पे बारिश हो गई और बुरा हाल हो गया। अब बारिश रुकेगी तभी जाना पड़ेगा, दिल्ली होगी बाइक पूरी इसकी भी, बारिश होगी, ठंड में ये भीगना नहीं था और बारिश हो चुकी है, बट कम हो गया, अब रुक गई है, अब घर निकलते हैं जल्दी से। तो भाई पहुँच गए हैं घर, बाइक को लगा देते हैं ऊपर साथ के साथ, बारिश हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे भी हल्की हल्की। 1, 2, 3 या गाइस फाइनली हम घर आ चुके हैं, और कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, और जो जो मैं बोलता हूँ कि भाई ये कमेंट करके बताना कि ये करें या ये करें, तो कमेंट ज़रूर करा करो क्योंकि मुझे उससे आपका पता लगेगा कि आप चीज़ आपको क्या चीज़ चाहिए मुझसे, कैसे व्लॉग देखना चाहते हो आप, तो कमेंट ज़रूर करना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, जो भी वीडियो में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बढ़िया से व्लॉग में, बाय, टेक केयर।